देश के हाथरस जिले से पूरे शिक्षक समाज को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ के एक प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक बच्चों के सामने क्लासरूम में ही बियर पीते हुए कैमरे में कैद हुआ है। इतना ही वीडियो बनाने वाले ने जब शिक्षक से ये सब करने से पूछा तो उसे हेगड़ी दिखाई। जिलाधिकारी ने शिक्षक और प्रधानाध्यापक के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो हाथरस जिले के डीआरबी इंटर कॉलेज स्थित प्राइमरी शाखा का बताया जा रहा है। वीडियो के मुताबिक आरोपी शिक्षक और एक महिला क्लासरूम में कुर्सी पर बैठे हुए हैं। क्लास में सारे बच्चे भी फर्श पर बैठे हैं। वीडियो बनाने वाले शिक्षक से जब पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं तो उसने हेगड़े दिखाते हुए बियर की दूसरी केन भी दिखाई। वहीं वीडियो के सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने कार्रवाई कर दी। जिलाधिकारी हाथरस रमेश रंजन ने शराबी शिक्षक और प्रधानाध्यापक के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। आरोपी शिक्षक का नाम शैलेंद्र सिंह गौतम बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कॉलेज के प्रबंधक स्वतंत्र कुमार गुप्त ने प्रारंभिक जांच में दोषी मानते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया है। साथ ही प्रधानाध्यापक के खिलाफ भी जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं एक्टिविस्ट स्वाति मालीवाल ने भी अपने आधिकारिक ट्वीट हैंडल पर हाथरस के शराबी शिक्षक की वीडियो को ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि नशे की हालत में धूत मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वीडियो हाथरस यूपी की बताई जा रही है। यदि बच्चों के भविष्य के सृजनहार टीचर ऐसी हरकत करे तो क्या बच्चों का भविष्य अच्छा हो सकता है? तुरंत इस टीचर पे कार्रवाई करे। फोटो ले रहा बना लो। सर आप टीचर हो, आपने कर लिया तो बच्चा मारो। मैंने ऐसे काउ के ना मारो, क्लास में चलता हूँ मैं आपके साथ। जी का है जी बियर कॉलेज में बना बना लेंगे ना तो बना लो जब बना लो। तो नाम क्या? शैलेंद्र सिंह। जी बच्चा बैठे हैं। हाँ बैठे हैं। अरे मेरी सुनता है, हरकतें कर रहे हो तो मैं कितनी देर छोड़ू? संस्कार दे रहे हो और मोह सिखा रहे। चल बैठ जा रही मास्टर, तुम तो दारू पी के आयो। मैं क्लास में नहीं गया हूँ, तुम्हें पता है। बिंदी साहब की बस चले जाओ। बिंदी साहब ना, हमारी बात ऐसी। आपको जो बात करनी नहीं कर ली, प्रिंसिपल साहब के पास जान के।